Charged pions decays to muon and anti muon neutrino take the rest masses of a muon and pion to be 105 mega electron volt and 140 mega electron volt respectively the probability that the measurement of muon spin along the direction of the momentum is positive is close to number 2020 cSI or net physical science paper may pouche guy questions may say one of the simplest question here इसकी वजह है क्योंकि इस क्वेश्चन में ना तो किसी तरह की कैलकुलेशन है और ना ही क्वेश्चन के लैंग्वेज को मॉडिफाइड किया गया है इवन दिसंबर 2019 आसाम और मेघालय में कंडक्ट हुए पेपर में पार्टिकल फिजिक्स से पूछा गया क्वेश्चन ही रिपीट हुआ है यह क्वेश्चन पैरिटी कंजर्वेशन पर बेस्ड है सबसे पहले पैरिटी को समझ लेते हैं पैरिटी का मतलब है मिरर इमेज अगर किसी कोऑर्डिनेट एक्सेस पर पैरिटी ऑपरेट की जाए तो उस कोऑर्डिनेट के एक्सेस अपने मिरर इमेज में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं जैसे एक्स एक्सेस माइनस एक्स एक्सेस में वाई एक्सेस माइनस वाई एक्सेस में और जी एक्सेस माइनस जी एक्सेस में कहने का मतलब है पैरेटी ऑपरेशन से एक राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है कई फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिन पर पैरेटी ऑपरेटर ऑपरेट करने पर उनके साइन चेंज हो जाते हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट अगर कोई पार्टिकल राइट साइड की ओर डिस्प्लेस हो रहा है तो उसके मिरर इमेज में यह लेफ्ट साइड की ओर मूव करता हुआ दिखाई देगा इसी तरह मोमेंटम एक्सेलरेशन फोर्स सभी के साइन पैरेटी ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज हो जाते हैं लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो पैरेटी ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर भी इनवेरियंट बने रहते हैं जैसे एंगुलर मोमेंटम चूँकि पैरेटी ट्रांसफॉर्मेशन में लीनियर मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं इसलिए एंगुलर मोमेंटम इन्वेरियंट बना रहता है इसी तरह स्पिन की भी पैरिटी इन्वेरियंट है लेकिन सब एटोमिक लेवल पर पैरिटी का एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बिहेवियर देखने को मिलता है जिसे हेलिसिटी कहते हैं हेलिसिटी किसी पार्टिकल के मोमेंटम के रिस्पेक्ट में उसके स्पिन के ओरिएंटेशन को बताती है अगर पार्टिकल का स्पिन उसके मोमेंटम की डायरेक्शन में है तो इसे राइट हैंडेड हेलिसिटी और अगर पार्टिकल का स्पिन उसके मोमेंटम के ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इसे लेफ्ट हैंडेड हेलिसिटी कहते हैं नेचर में सभी सब एटोमिक पार्टिकल्स लेफ्ट और राइट दोनों हैंडेड हेलिसिटी वाले पाए जाते हैं न्यूट्रिनो को छोड़कर आज तक सभी न्यूट्रिनो लेफ्ट हैंडेड हेलिसिटी वाले और सभी एंटी न्यूट्रिनो राइट हैंडेड हेलिसिटी वाले ही मिले हैं कभी भी राइट हैंडेड हेलिसिटी वाला न्यूट्रिनो या लेफ्ट हैंडेड हेलिसिटी वाला एंटी न्यूट्रिनो नहीं मिल पाया है नाउ कम बैक टू गिवन क्वेश्चन चार्ज्ड पायोन का डिके चार्ज्ड म्यून और एंटी न्यूट्रिनो में हो रहा है चूँकि यह है एक डिके रिएक्शन है तो पायन को रेस्ट में माना जा सकता है अगर पायोन रेस्ट में है तो इसका लीने मोमेंटम जीरो होगा और पायोन एक स्पिन जीरो का मैसोन पार्टिकल है दैट मीन्स पायोन की हेलिसिटी जीरो होगी लेकिन पायोन के डीके से रिलीज होने वाले पार्टिकल्स रेस्ट पोजीशन में नहीं होंगे बल्कि लीनियर मोमेंटम को कंजर्व बनाए रखने के लिए ये दोनों पार्टिकल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम मोमेंटम से रिलीज होंगे जैसा कि हमने जाना आज तक सभी न्यूट्रिनो लेफ्ट हैंडेड और एंटी न्यूट्रिनो राइट हैंडेड हेलिसिटी वाले ही मिले हैं दैट मीन्स म्योन एंटी न्यूट्रिनो की हेलिसिटी भी राइट right हैंडेड होगी तो अगर न्यूट्रिनो लेफ्ट साइड की ओर मूव कर रहा है तो इसके स्पिन की डायरेक्शन भी लेफ्ट साइड की ओर ही होगी ताकि यह राइट right हैंडेड बना रहे हैं। नाउ हेलिसिटी को कंजर्व करने के लिए म्योन का स्पिन भी उसके मोशन की डायरेक्शन में होना जरूरी है दैट मीन्स म्योन का स्पिन और मोमेंटम दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो अगर इस डे रिएक्शन में म्योन के स्पिन को मेज़र किया जाए तो म्योन का स्पिन हमेशा ही उसके मोमेंटम की डायरेक्शन में ही मिलेगा दैट मीन्स 100% परसेंट है कि म्योन का स्पिन उसके मोमेंटम की डायरेक्शन में ही मेजर्ड हो